हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं तैयारी कर रही हूँ इडली सांभर की। तो मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं, दिखाती हूँ आपको अभी। वो मैंने चावल और दाल सुबह भिगो दिए थे और मैंने को पीस कर ली हैं सारी। देखो अभी दिखाती हूँ आपको, काट ली है। और ये है धनिया और नारियल का पेस्ट तैयार कर लिया है भून के। और ये है इमली का पानी। बैटर देखते हैं कि तैयार कितना हुआ है। वाह, काफ़ी अच्छा बैटर तैयार हो गया है, जैसा हमें चाहिए था बिल्कुल वैसे हुआ है। ये देखिए बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया फूल के और तैयार हो गया। और अब मैंने डाल दी है इडली बनाने के लिए, इसके अंदर रखती हूँ। अब 12-13 मिनट में बनके तैयार होंगी ये। उसके बाद देखती हूँ कैसी बनती है। ढक्कन लगा दिया है मैंने इसका और फ्लेम को करती हूँ मीडियम। और तब तक हम छत पे जाके आज घर का मौसम चेक करते हैं, तो छत पे और मौसम देखते हैं। आज बढ़िया मौसम है, इतनी बारिश हो रही है। ट्राई करते हैं, देखते हैं। बूंदाबांदी हो रही है, ये देखो दिखाऊं, बादल हो रहे हैं। छत पे दिखा दूं, हल्की हल्की बूंद हो रही है। मशीन में कपड़े डाल रखे हैं और लाइट है नहीं। कितनी देर लगेगी धोने में कुछ नहीं पता। खेत दिखा दूं बाहर की, ये देखो खेत। और ये हमारा साइड वाला प्लाट है, ये तो आपने कई बार देख रखा होगा वीडियो में। ये देखिए कितनी अच्छी स्पंजी इडली बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। फिर खाने के बाद देखते हैं कैसी लगेंगी। ये देखिए अभी ये तो है, तो मैंने नारियल की चटनी बनाई थी, थोड़ी सी नारियल की चटनी है। ये इडली हो गई, बना दी है मैंने। और ये है सांभर, देखो कैसा, बताना कमेंट करके कैसा लगा आप लोगों को। ये देखो सारी चीज़ें मैं तैयार कर रही हूँ। और मैंने अपनी डाली है ये सांभर चटनी